आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डेडलॉक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख रहे हो, इसका नाम है डेडलॉक। डेडलॉक, डेड यानी ना, लॉक यानी बंद हो जाना, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को, रनिंग प्रोसेस को, चलती हुई प्रोसेस को, चलते हुए टास्क को अगर किसी कारण से कोई चलता हुआ टास्क रुक जाता है, कोई चलता हुआ टास्क अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है, चलता हुआ सिस्टम अपनी वर्किंग को कंप्लीट नहीं कर पाता है, अपनी वर्किंग को फेल कर जाता है, अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को अचीव नहीं कर पाता है, तो इस केस में आप सिस्टम की फेलियर मानते हैं और इसी सिस्टम फेलियर को आप नया नाम देते हो डेडलॉक। दैट मीन्स डेडलॉक की कंडीशन को कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन जो कि आपके रिक्वायर्ड आउटपुट को गेन करने में आपको रोकती है। आप डेडलॉक के थ्रू यानी डेडलॉक के आने पर आप अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को गेन नहीं कर पा रहे हैं, डेडलॉक के थ्रू आपका सिस्टम आपकी वर्किंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, डेडलॉक के कारण आपका सिस्टम फेल हो जा रहा है, डेडलॉक के कारण आप अपनी वर्किंग को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब रीजन है डेडलॉक। अब एग्जैक्टली समझते हैं, अगर किसी रीजन से, किसी कारण से आपका सिस्टम फेल होता है, अपनी वर्किंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, आपके सिस्टम की वर्किंग फेल हो रही है, आपके सिस्टम की वर्किंग को आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन को आप नाम देते हो डेडलॉक। तो आइए गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी डेडलॉक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाई वन देखते हैं। इस वीडियो में हमको देखना क्या है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर, तो आइए आते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेडलॉक एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे डेडलॉक के, डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ डेडलॉक, डिफिनीशन और एग्जांपल डेडलॉक के, सिस्टम मॉडल, कितने प्रकार के मॉडल हैं, कितने प्रकार के सिस्टम बन सकते हैं, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, वर्गीकरण, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, डेडलॉक को हैंडल करने के, डेडलॉक हैंडल करने के, डेडलॉक को समझने के, डेडलॉक को रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक से बचाव, डेडलॉक को अवॉइड करना, डेडलॉक को दूर करना, अवॉइड करना यानी दूर करना, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक को पकड़ना, डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, देन फाइनली रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, डेडलॉक को रिकवर करना। अगर आपके सिस्टम में ड्यू टू सम रीजन डेडलॉक आ गया है, आपकी वर्किंग फेल हो रही है, आपका सिस्टम आपका रिक्वायर्ड आउटपुट आपको नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिकवर करोगे सिस्टम को, वो रिकवरी का ऑप्शन भी अपने पास डेडलॉक के केस में पॉसिबल है। तो आइए गाइस वन बाई वन इसको देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर में हमको देखना क्या है, टू डेवलप ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक विच प्रिवेंट सेट ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर टास्क। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक विच प्रिवेंट सेट ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस, जो क्या करता है, सेट ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस को आपके टास्क को कंप्लीट करने में और आपके सेट ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस को क्या करता है, रिकवर करता है, जरूरत आने पर सिस्टम के फेलियर केसेस में आपकी पूरी की पूरी वर्किंग को क्या करता है, कॉन्करेंट करता है, रिकवर करता है, कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट ए नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग डेडलॉक इन ए कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड है, इस पर्टिकुलर डेडलॉक के केस पे कई तरह के ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप डेडलॉक से अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हो और डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो, डेडलॉक को रोक सकते हो, डेडलॉक को ब्लॉक कर सकते हो अपने सिस्टम में आने को। देन इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्टली डिफिनीशन ऑफ डेडलॉक, एग्जैक्टली डेडलॉक होता क्या है गाइस समझते हैं। ए सेट ऑफ टू आर मोर प्रोसेस आर डेडलॉक इफ दे आर ब्लॉक, अगर रुक जाती है, कोई प्रोसेस चलते हुए रुक गई, कार्य करना उसने बंद कर दिया, उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, डेडलॉक।
दैट इज इन द वेटिंग स्टेज। इस केस में प्रोसेस क्या हो जाती है, वेटिंग करने लगती है, रुक जाती है और रिसोर्स के लिए वेट करने लगती है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वेट करने लगती है, इंतजार करने लगती है। ईच होल्डिंग ए रिसोर्स एंड वेटिंग टू रिक्वायर ए रिसोर्स हेल्ड बाई अनदर प्रोसेस इन द सेट। कहने का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस अपने पास एक रिसोर्स को होल्ड करती है, एक संसाधन को होल्ड करती है, रोक के रखती है और दूसरे संसाधन के लिए इंतजार करती रहती है, और सेम उसी टाइम में कोई दूसरी प्रोसेस है जो उस संसाधन को अपने पास रोक के रखती है और किसी तीसरे संसाधन के लिए वेट करने लगती है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन आपकी डेडलॉक का कारण बनती है। सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट के पास हिंदी की बुक कंप्लीट है, हिंदी की बुक है, और दूसरे स्टूडेंट के पास इंग्लिश की बुक है। पहले स्टूडेंट ने अपना हिंदी का वर्क कंप्लीट किया और हिंदी की बुक को अपने पास रख के बोलता है मुझको आप इंग्लिश की बुक दीजिए। देन दूसरा स्टूडेंट, उसने भी अपना इंग्लिश की बुक रखा था, उसने इंग्लिश का टास्क कंप्लीट कर लिया, बुक को अभी रखा है इंग्लिश की और बोलता है मुझको हिंदी की बुक दीजिए। तो दोनों के केस में क्या होगा, इंतजार करते रहेंगे। पहला स्टूडेंट हिंदी कंप्लीट कर लिया, उसको दूसरे स्टूडेंट को हिंदी की बुक देनी चाहिए थी, और दूसरे स्टूडेंट को जिसने इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया है उसको पहले स्टूडेंट को हिंदी की बुक देनी चाहिए थी। लेकिन डेडलॉक के केस में पहले स्टूडेंट ने भी, पहले रिसोर्स ने भी, पहले प्रोसेस ने भी पहले रिसोर्स को एक्वायर किया है, रोक के रखा है और दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। देन दूसरे केस में भी क्या कर रहा है, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और अगले रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये फेलियर का रीजन बनता है। सेकंड है, ए प्रोसेस इज डेडलॉक इफ इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट विच इज नेवर गोइंग टू हैपन। दैट मींस कोई प्रोसेस का डेडलॉक कब कहलाएगा, जब वो प्रोसेस किसी ऐसे इवेंट के लिए लगातार वेट कर रही है जिसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, जो कभी भी परफॉर्म नहीं हो। थर्ड है, डेडलॉक कैन आकर बी अ सिस्टम कॉल्स लॉकिंग एटीसी। डेडलॉक कई कारण से आ सकता है जिसमें सिस्टम कॉल्स और लॉकिंग दो बड़े रीजन है, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक के एग्जाम्पल सीमाफोर ए एंड बी, दो प्रोसेस है P0 P1। ए वेट कर रहा है, बी भी वेट कर रहा है, बी वेट कर रहा है तो इधर ए भी वेट कर रहा है। ए का सिग्नल चालू है तो बी का भी सिग्नल चालू है, बी का सिग्नल चालू है तो ए का सिग्नल चालू है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, एक दूसरे के डायरेक्टली पैरेलल है, एक को वेट करने पर दूसरा ऑटोमेटिक वेट करेगा। यही एक बड़ा रीजन बनता है आपके डेडलॉक। नेक्स्ट है, डेडलॉक को यहाँ पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। एक साइड से अगर ट्रैफिक पुलिस वाला चाहे, कोई भी एक व्यक्ति चाहे तो एक साइड से गाड़ियों की आवाजाही रोक के दूसरे साइड से गाड़ियों की आवाजाही क्लियर कर सकता है, जिससे आपके डेडलॉक के चांस खत्म हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम के चांस खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम मॉडल। कौन कौन से मॉडल है, फर्स्ट है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट करेगा, रिसोर्सेस के टाइप्स लिया R1 R2 से लेके RM, जिसमें कई रिसोर्सेस हो सकते हैं, CPU साइकिल्स है, मेमोरी स्पेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ईच रिसोर्स टाइप RI हैज WI इंस्टेंस, तेरह में WI इंस्टेंस को रिक्वायर करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। ईच प्रोसेस यूटिलाइज ए रिसोर्स एज फॉलोस, और हर प्रोसेस किन किन प्रोसेस को, किन किन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकता है, तीन पोजीशन है, रिक्वेस्ट यूज एंड रिलीज। नेक्स्ट आते हैं गाइस डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं डेडलॉक एग्जैक्टली है क्या, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कंडीशंस क्या है डेडलॉक की, इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आपसी सहमति। डेडलॉक के केस में, मल्टीपल प्रोसेस के केस में किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी आपसी सहमति नहीं होती है, यह सबसे बड़ा रीजन है डेडलॉक का। सेकंड है होल्ड एंड वेट, एक को होल्ड करके रखो दूसरे के लिए वेट करो, ये एक और बहुत बड़ा रीजन है डेडलॉक का। दैट मींस आपने एक रिसोर्स को अपने पास रखा है, दूसरे रिसोर्स के लिए आप रेगुलरली वेट कर रहे हो। थर्ड है नो प्रीम्प्शन, दैट मींस मल्टीपल प्रोसेस के केस में कोई एक ऑनर नहीं है, कोई एक सर्वर नहीं है, कोई एक पोस्ट नहीं है जो कि किसी भी एक प्रोसेस से किसी एक रिसोर्स को प्रीम्प्शन के साथ में, पावर के साथ में छीन सके और दूसरे को अलॉट कर सके। अगर ऐसा पॉसिबल है देन इस केस में आपका डेडलॉक से आप बच सकते हो। फोर्थ सर्कुलर वे, दैट मींस
पहले को जो चाहिए वो दूसरे के पास है, दूसरे को चाहिए तीसरे के पास है, तीसरे को जो चाहिए चौथे के पास है, चौथे को जो चाहिए वो पहले के पास है। ओवरऑल एक सर्किल बन जा रहा है। चाहे तो एक दूसरे को रैंडमली ये रिसोर्सेस को पास करके अपना वर्क कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर वे में ये एक दूसरे के रिसोर्स को होल्ड करके रखे हैं और रेगुलर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में वेट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा सर्कुलर वे। नेक्स्ट आते हैं गाइस, रिसोर्सेस एलोकेशन का ग्राफ है, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड, दैट मीन्स किस रिसोर्स को किस प्रोसेस ने किस रिसोर्स को हैंडल करके रखा है। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं समझ सकते हैं। डायरेक्टली रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कोड है, दूसरा है असाइनमेंट कोड है, कौन सा पर्टिकुलर रिसोर्स किस पर्टिकुलर प्रोसेस को असाइन किया गया है। इन दोनों को समझने के लिए आप ग्राफ मेथड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोसेस है, कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स को किस प्रोसेस में होल्ड किया है, देन कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है। इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू आप इसको समझ सकते हो, रिसोर्सेस और प्रोसेस के बीच का यह ग्राफ बनाने का ट्राई किया गया। नेक्स्ट आया इसको समझिए, R1 P1 किसके पास होल्ड होके रखा, प्रोसेस ने किसको होल्ड करके रखा है R1 को, R1 किसको पास किया है P2। समझिए इसको डायग्राम को, देन एक पर्टिकुलर को आपने होल्ड किया है और दूसरे के लिए आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। इस पर्टिकुलर केस में आपका डेडलॉक के चांसेस क्रिएट हो गए। नेक्स्ट ग्राफ विथ ए साइकिल बट नो डेडलॉक, दैट मींस डेडलॉक के केस नहीं बनता है। कैसे समझेंगे, P1 के पास R1 है, देन P1 में R1 R1 P2 और P3 दोनों को अलर्ट किया जा सकता है, देन P3 किसको पास कर रहा है, R2 को रिक्वायर कर रहा है, देन R2 यहां से P4 को पास किया जा सकता है। सो ओवरऑल ये एक राउंड बनता है और इस केस में आप डेडलॉक से बच सकते। नेक्स्ट है बेसिक फैक्ट्स, इफ ग्राफ कंटेंस नो साइकिल देन नो डेडलॉक, अगर कोई भी एक साइकिल एक राउंड कंप्लीट नहीं होता है ग्राफ के केस में तो डेडलॉक का केस नहीं बनेगा। इफ ग्राफ कंटेंस ए साइकिल, अगर एक राउंड कंप्लीट करता है एक साइकिल कंप्लीट करता है तो डेडलॉक के केसेस बनते हैं। अगर सेवरल रिसोर्सेस सेवरल इंटेंस होते हैं तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले आप डेडलॉक के सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस, नंबर ऑफ रिसोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो फॉर्मूले को, मिनिमम रिसोर्सेस रिक्वायर्ड इन जनरल मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड सो द सिस्टम मस्ट बी इन सेफ स्टेट। सेफ स्टेट के इसका फॉर्मूला सम्मिशन ऑफ रिसोर्स माइनस एन प्लस वन, then where I is the form I2 n, जहां पे I that means resource का number कितने resource होंगे I से लेके n तक हो सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख सकते हो यहाँ से समझ सकते हो। ये पूरे resources का यहाँ पे total हो जाएगा, इसके थ्रू आप resources की संख्या निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए पहले केस में 3, 5, 7, That means पहले केस में -1, फिर दूसरे में भी -1, P1 के भी रिसोर्सेस में -1, P2 के रिसोर्सेस में भी -1, देन P3 के रिसोर्सेस में भी -1, देन P1 के रिसोर्सेस में -1 किए तो कितना हुआ 2, P2 के रिसोर्सेस में -1 किए तो कितना हुआ 5, -1 4 हुआ, देन 2 + 4 6 हुआ, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। 4 + 4 6 हुआ, देन 7 - 1 = 6 हुआ, 6 + 2 2 रिसोर्सेस हुए। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को प्लस वन किया आपने फुल में, तो इस केस में अपने पास कितना हुआ टोटल, अपने पास यहाँ पे 13 रिसोर्सेस हो। सो ओवरऑल ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप पूरे के पूरे नंबर ऑफ रिसोर्सेस मिनिमम रिसोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड के बाद, यहाँ पे देखिए 26 कहाँ से कैलकुलेट किया, P1 के लिए, P5 के लिए P1, P2, P3, P4, P5, P1 के लिए 4, P2 के लिए 3, 2, then 9, then 8. अब इनमें आप इन सबको टोटल कर सकते हो, रिसोर्सेस टोटल कर लोगे और नंबर ऑफ प्रोसेस निकाल लोगे कि कुल टोटल कितनी प्रोसेस है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है P1 से लेके P5 तक 5 है, तो 26 टोटल रिसोर्सेस माइनस 5 प्लस 1
ये हुआ आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सेम मेरी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कितने हैं टोटल, P1 P2 P3 3 हैं टोटल, कितने हुए 7 + 3 = 10 + 5 = 15 हुआ। 15 माइनस आपने कितना किया 3, तो कितना हुआ 12, 12 में प्लस 1 किया तो कितना हो गया 13। ये टोटल का आपका आउटपुट है। इस आउटपुट को यहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे सेम है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के केस में, सबसे पहला नंबर टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज करिए, उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी है उसको माइनस करिए और उसमें प्लस 1 करिए, ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम रिसोर्स फॉर सेफ स्टेट। इफ टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन, देन द नंबर ऑफ प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस की नीड आपके पास दी गई है, देन नंबर ऑफ प्रोसेस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, यहाँ पे सिंपल सा वही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को आपने क्या कर दिया है, साइड चेंज किया है। साइड चेंज करने से आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस को आई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वेयर आर इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, देन एन इज द नंबर ऑफ प्रोसेस, आर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 15 है, 15 किया है, देन 5 × n + 1, 5 − 1 × n + 1, देन 4 × n + 1, देन n स्मॉलर और इक्वल 14/4, देन 3.5, और रैंडमली आपको क्या लेना है इंटीजर नंबर लेना है, तो कंप्लीट नंबर आपने लिया तो कंप्लीट नंबर n की वैल्यू क्या हुई 3। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, दैट मींस r − 1 × n + 1 स्मॉलर r इक्वल कैपिटल R, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, r − 1 × n + 1 = R। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस। यहां पे देखिए नंबर ऑफ प्रोसेस शुड रन इन सेफ स्टेट, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आपको कैलकुलेट करनी थी, यहां से आपने मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस को कैलकुलेट। डेडलॉक पे आते हैं फिर से, इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर ए डेडलॉक स्टेट। सबसे पहले इंश्योर करिए भैया कि किसी भी कारण से आपका सिस्टम डेडलॉक स्टेज में ना आए। देन डेडलॉक से बचने के तरीके, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक का अवॉइडेंस। डेडलॉक को प्रिवेंट करना ना और डेडलॉक को अवॉइड करना, डेडलॉक से दूर हटाना, डेडलॉक को अपने आप से दूर भगाना। अलाउ द सिस्टम टू एंटर ए डेडलॉक स्टेज एंड देन रिकवर। थर्ड स्टेज है, सिस्टम को डेडलॉक में आने दीजिए और इसके बाद सिस्टम को रिकवर कीजिए। नेक्स्ट है इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट दैट डेडलॉक नेवर आकर इन द सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स। देन इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक्स नेवर आकर इन द सिस्टम। उस प्रॉब्लम को इग्नोर करिए और अपने सिस्टम को ऐसा प्रिवेंट करिए, ऐसा सुरक्षित करिए कि आपके सिस्टम में डेडलॉक के चांसेस बिल्कुल ना आए। काफी ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स जैसा एक एग्जांपल है, इसमें भी इसी टेक्निक को फॉलो किया जाता है। सो बेसिक्स गाइस, हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डेडलॉक को समझा, डेडलॉक की टेक्निक को समझा, देन डेडलॉक की टेक्निक के साथ में दो कैलकुलेशन देखे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को, मिनिमम रिसोर्सेज को, देन नंबर ऑफ प्रोसेस को। सेफ स्टेट में नंबर ऑफ मिनिमम प्रोसेस कितनी हो सकती है, देन नंबर ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस कितने हो सकते हैं, ये चीजें हमने कैलकुलेट की। देन डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस, ये नए कॉन्सेप्ट हैं। डेडलॉक को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो अपने सिस्टम को डेडलॉक से। देन डेडलॉक अवॉइडेंस में हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे डेडलॉक को अवॉइड करेंगे अपने सिस्टम को करप्ट करने से, अपने सिस्टम को खराब करने से। तो गाइस, इन दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, यानी डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक के इन दोनों डीप कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।